प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र, कष्ट बको पुत्र। बाबा लॉकडाउन हो गया ना तो भाई नहीं आ रही बाबा, और बड़ी समस्या हुई है। दुख की घड़ी तो है, हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से इस दुख की घड़ी से निकलना पड़ेगा पुत्र। ये देखिए बाबा, ये घर में इतना कचरा पड़ा है, ये दारू की बोतलें पड़ी हैं, ये इतने सारे बर्तन पड़े हैं, अतः बाबा बाथरूम में ना मेरे कीड़े घूम रहे हैं, इतने सारी चादरें पड़ी हैं, ये सब कौन करेगा बाबा। तो भोजन की व्यवस्था कैसे की? खाने के लिए तो बाबा मम्मी को वीडियो कॉल किया था तो उन्होंने रेसिपी बताई। बटर चिकन वैसे थोड़ा जल गया था लेकिन किसी तरह खा लिए। अति उत्तम, अब मुझे ध्यान लगाकर उपाय सोचने दो पुत्र। उपाय आ गया पुत्र। तुम्हारे भाई के पास कोई फोन तो होगा? हाँ, फोन है उसके पास, इतना बड़ा फोन है, फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाती है। कोई परसों मेरे को कोरोना पे वीडियो भी भेजा था उसने। तुम अपनी भाई को तत्काल वीडियो कॉल करो और उससे सीखो पोछा कैसे लगाया जाता है, झाड़ू कैसे लगाया जाता है, बाथरूम कैसे साफ किया जाता है, टॉयलेट कैसे साफ किया जाता है, बेडशीट कैसे साफ किया जाता है, कचरा कैसे फेंका जाता है पुत्र। ये क्या चुतिया था बाबा, यहाँ सॉल्यूशन मांगने के लिए फोन किया है, प्रॉब्लम फैल रहे हो पुत्र। अपनी जुबान संभालो, क्रोधित हो रहे हो तुम, गुस्से वाली बात ही है, क्या चुतिया चल रहा है यहाँ पे। भगवान आपकी भावनाओं को जल्द भड़काएं और आप हमारे पास फिर से आएं पुत्र। सदा कल्याण हो तुम्हारा।